कौस्टिक भगवान किचन में आपका स्वागत है। रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है और रेनी सीजन में विशेष तौर पर हम लोग स्नैक्स काफ़ी पसंद करते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए भुट्टे के पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि भुट्टा अपने आप में काफ़ी हेल्दी होता है। भुट्टे से काफ़ी सारी रेसिपियाँ तैयार की जाती हैं, प्लस इसको सेक के भी खाया जाता है। तो आप जिस भी रूप में इसको खाना चाहे खा सकते हैं, जैसे कि आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, भुट्टे का घीस भी बना सकते हैं, भुट्टे का सूप भी बनता है, भुट्टे की टिक्की भी बनती है, काफ़ी सारी इसकी डिशेस तैयार की जाती हैं। लेकिन आज मैं रेनी सीजन के हिसाब से इसके पकोड़े लेके आई हूँ, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भुट्टे, तीन भुट्टे लिए हैं। आप जितने मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा के लिए बना रहे हैं अगर, तो ज़्यादा भुट्टे ले सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर मैंने जो सॉफ्ट दाने के भुट्टे आते हैं, कच्चे भुट्टे, वो लिए हैं मैंने। इन भुट्टों को आप चाहें तो दानों को पीस के भी बना सकते हैं। पहले भुट्टे के दाने निकाल लें और फिर मिक्सर में ग्राइंड करके बनाएं। लेकिन मैं भुट्टे के दाने नहीं निकालूंगी, मैं पहले इनको छील कर और फिर जो कद्दूकस आता है उससे ग्रेट करके, जो बारीक वाली साइड होती है कद्दूकस की, कस के उससे मैं इसको ग्रेट करके बनाऊंगी। क्योंकि ऐसा करने पर जब हम इसको खाते हैं तो उसमें जो बिल्कुल बारीक बारीक पिसा हुआ कद्दूकस से पीस जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है। और अगर हम मिक्सर में पीस देंगे तो बहुत बारीक हो जाता है, बेसन और ये इक्वल टेस्ट हो जाता है, तो पता नहीं लगता है कि क्या टेस्ट है। और जब हम कद्दूकस से घिस के बनाते हैं तो वो पकोड़े खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इस टाइम में फ्रेंड्स बारिश आ रही है, तो मैं फटाफट से भुट्टे के पकौड़े बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो भुट्टे लिए हैं उनको मैं मिक्सर में ग्राइंड नहीं करूँगी, इसके बीज निकाल के मैं इस तरह से जो ये हमारी किसनी रहती है उसका जो बारीक वाला पोर्शन रहता है उसमें इसको ग्रेट कर लेती हूँ। तो घिसे हुए जब हम भुट्टे से पकोड़े बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, अगर आप मिक्सर में ग्राइंड करके बनाएंगे तो इतने टेस्टी नहीं बनेंगे। इसके जो बिल्कुल बारीक बारीक से दाने मुँह में आते हैं पकौड़े में, बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह से इसमें ग्रेट कर रही हूँ, बारीक जो बारीक वाला पोर्शन आता है उस साइड से। तो ये देखिए कद्दूकस की जो बारीक बारीक साइड से मैंने जो भुट्टे हैं उनको घिस लिया है। तो भुट्टों के साथ मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं और हरी मिर्च कट कर ली, हरा धनिया, और भुट्टे तो जैसे मैंने आपको दिखाया मैंने घिस ही लिए थे। जब हम भुट्टे घिसते हैं तो इसके कुछ दाने इसमें रह जाते हैं साथ में, वो बहुत अच्छे लगते हैं, पूरे साबुत दाने यानी कि, तो पकोड़े के अंदर के दाने बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी सामग्री मिला देती हूँ। दो हरी मिर्च ली थी, एक प्याज लिया था, थोड़ा हरा धनिया लिया था, ये भी मैंने कट कर लिए थे। एक छोटी कटोरी बेसन लिया है, बेसन मैंने छान लिया था, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। वन टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च मैंने दो ली थी, तो एक टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, आप चाहें तो जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं साबुत जीरा डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं इसमें अजवाइन नहीं डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं और हींग भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी ये पकोड़े अच्छे नहीं लगते हैवी मसालों में, मुझे ये इतने ही मसालों में पसंद है, इसलिए मैंने इसमें इतने ही मसाले इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला, अजवाइन, हींग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। भुट्टे में थोड़ा मॉइस्चर रहता है और प्याज के अंदर, तो बेसन मिला के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारे प्रॉपर पकोड़े तैयार हो जाएं। बहुत कम पानी लगता है इसमें। बहुत टेस्टी और हेल्दी स्नैक तैयार हो जाता है बारिश के दिनों में। तो ये देखिए भुट्टे के पकोड़े का घोल मैंने तैयार कर लिया है, और आप जैसा कि देख रहे हैं कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है,
लेकिन जो भुट्टे का अपना कलर भी येलो रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो पैन के अंदर मैंने तेल चढ़ा दिया है, तो चलिए हमारे भुट्टे के पकौड़े हम तैयार करते हैं। पकौड़े तलने से पहले यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च फ्राई करी है, इसमें मैं नींबू और नमक डालूंगी। पकौड़ों के साथ ये मिर्च बहुत टेस्टी लगती है, कोई से भी अगर आप पकौड़े बना रहे हैं उसके साथ आप ये मिर्ची बनाइए तो पकौड़े का टेस्ट और बढ़ जाता है। साथ में हम चटनी और सॉस वगैरह तो रखते ही हैं, साथ में आप ये मिर्ची भी रखिए तो बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मिर्च मैंने फ्राई कर ली है, अब हमारे ये कॉर्न पकौड़े हम तैयार करते हैं। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, आप स्पून से भी डाल सकते हैं, और आप छोटे बड़े जितने आप पकौड़े पसंद करते हैं उतने बड़े बड़े आप डालिए। पकौड़ों में एकदम गोल शेप भी अच्छी नहीं लगती है, पकौड़ों की शेप इसी तरह से अच्छी लगती है, अनइवन शेप ये ज़्यादा अच्छी लगती है, नेचुरल शेप हो जाती है पकौड़ों की। अगर आप गोल शेप देके बनाना चाहेंगे कोफ्ते टाइप तो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में भी। तेल में जितने पकोड़े फ्राई हो सकते हैं उतने आप डाल दीजिए। फ्लेम हमको मीडियम टू हाई रखनी है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो मैं इनको टर्न कर रही हूँ। और फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है ना, फटाफट से फ्राई हो जाते हैं पकोड़े। और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा थोड़े दानेदार बनते हैं जब हम इनको घिस के बनाते हैं भुट्टों को, जैसा कि मैंने बनाया है, तो ये थोड़े दानेदार बड़े टेस्टी लगते हैं, क्रंची सा टेस्ट आता है जब हम इनको खाते हैं। तो पकौड़े फ्राई हो रहे हैं तो जब तक मैं इन मिर्चों के ऊपर नींबू और नमक डाल देती हूँ। आप सिंपल खाना बनाते हैं उसके साथ भी आप ये मिर्ची फ्राई करके रखिए, जैसे कि दाल बनाई है मान लीजिए आपने, तो उसके साथ भी मिर्च बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा नमक। तो पकौड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखिए कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है इनके ऊपर, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और ये जो पकौड़े हैं ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनते हैं, इनका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बहुत कम ऑयली बनते हैं, तेल ज़्यादा पीते नहीं है ये पकोड़े, तो ये मैं निकाल लेती हूँ। और बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे रेनी सीजन स्पेशल मकई पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इसको इस तरह से बनाइए, आप इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉस के साथ सर्व किया है, साथ में मिर्च फ्राई करिए। तो आप भी इसको इस तरीके से बनाइए, खाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।